हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम रिव्यू करेंगे हीरो एक्सट्रीम 160R डुअल डिस्क वाइब्रेंट ब्लू कलर का, जो कि लेटेस्ट ही अभी लॉन्च हुई है। हीरो कंपनी ने वैसे भी स्पोर्ट्स बाइक में पहले से काफ़ी कदम रखा हुआ है। जैसे पहले इसकी एक करिश्मा बाइक आती थी जो कि काफ़ी फेमस हुई थी, एक्सट्रीम थी CBZ जो भी काफ़ी फेमस हुई थी, अपने टाइम पर उन्होंने धूम मचाया था। अब फिर से हीरो ने ऐसे ही कुछ एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, जो कि हीरो एक्सट्रीम 160R के नाम से लॉन्च कर दिया है। आज हम इसी बाइक का पूरा डिटेल, फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज, ऑन रोड प्राइस, सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इसमें वेरियंट की, तो इसमें टोटल 4 वेरियंट हमें मिलता है। फ्रंट डिस्क जो कि सिंगल डिस्क है, डुअल डिस्क 100 मिलियन एडिशन और स्टेल्थ एडिशन, ये हमारा डुअल डिस्क वाला वेरियंट है जिसका कि आज हम रिव्यू करेंगे। कलर्स ऑप्शन हमें इसमें 5 कलर मिलते हैं, सिल्वर वाइट, स्पोर्ट्स रेड, वाइब्रेंट ब्लू, 100 मिलियन एडिशन और मैटी ब्लैक। ये हमारा वाइब्रेंट ब्लू कलर है। वारंटी की बात करें तो 5 ईयर 20,000 किलोमीटर की हमें वारंटी मिलता है। मतलब हीरो अपनी सभी बाइकों में 5 साल और 70,000 किलोमीटर की वारंटी देता है। अब मेन जो फीचर्स है इसका, मेन जो स्पेसिफिकेशन है वो है इसका इंजन। इसी में हमें 163 सीसी का BS6 कम्प्लाइंट FI टेक्नोलॉजी 2 सिलेंडर एयरकूल्ड इंजन मिलता है। 2 सिलेंडर यानी कि अब जो वाइब्रेशन है वो बाइक में काफ़ी कम होने वाली है नाम मात्र के हिसाब से, क्योंकि सिलेंडर जो है वो वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। पावर की बात करें, इस इंजन से हमें पावर कितना मिलता है, 15 BHP 8500 RPM पे और 40 Nm का टॉर्क 6500 RPM पे हमें इससे मिलता है। गेयरबॉक्स इसमें हमें 5 स्पीड मिलता है। स्टार्टिंग से ही इस सेगमेंट की बाइक में 5 स्पीड गेयरबॉक्स आता था, जो कि 1 डाउन और 4 अप के साथ हमें मिलता है। इसमें मल्टीप्लेट क्लच का ऑप्शन हमें मिल जाता है, जिससे कि राइडिंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है। और माइलेज की बात करें तो 48 किलोमीटर पर लीटर का हमें इससे माइलेज भी मिल जाता है 12 लीटर के फ्यूल टैंक से, जिससे कि राइडिंग रेंज है 576 किलोमीटर के आसपास हमें टोटल मिल जाती है। ब्रेक्स की बात करें तो इसमें सिंगल चैनल ABS ही आता है। ब्रेक्स फ्रंट रियर दोनों में डिस्क है, बट इसमें हमें ABS जो है वो सिंगल चैनल ABS ही मिलता है। फ्रंट डिस्क के अगर डायमीटर की बात करें तो 276 mm का मिलता है और डुअल पिस्टन के साथ मिलता है। और रियर डिस्क की बात करें तो इसका डायमीटर हमें 220 mm का मिलता है, जो कि सिंगल पिस्टन कैलिपर टाइप पिस्टन के साथ हमें मिलता है। व्हील की बात करें तो इसमें हमें अलॉय टाइप व्हील मिलते हैं और फ्रंट और रियर दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम है, 17 इंच का हमें इसमें फ्रंट और रियर में दोनों ही व्हील मिलते हैं। टायर हमें इसमें ट्यूबलेस रेडियल टाइप टायर मिलते हैं। रेडियल टायर की एक खासियत होती है, वो काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ चलती है। अगर टायर की साइज़ की बात करें तो फ्रंट में हमें 180/70 का मिलता है और रियर में हमें 130/70/R17 का टायर मिलता है। सस्पेंशन कंफर्टेबल, जिस पे कि हीरो ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, काफ़ी अच्छी तरह से सस्पेंशन सेटअप तैयार किया है। फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रैक्शन बूस्ट टाइप, यानी गड्ढों को आराम से एब्जॉर्ब करती है ये, और ब्रेकर्स को भी काफ़ी आराम से यह एब्जॉर्ब करती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। रियर में हमें 7 स्टेप राइडर एडजस्टेबल मोनोशॉक टाइप, यानी राइडर अपने हिसाब से इसका रियर का शॉकर जो है वो आराम से एडजस्ट कर सकता है, तो सस्पेंशन भी जो है वो काफ़ी अच्छा सेटअप है। डायमेंशन यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो इसकी ओवरऑल लेंथ जो है वो 2029 mm का मिल जाता है, विड्थ 793 mm का, हाइट 1052 mm का, जो कि ओवरऑल हाइट है विथ ग्लास। व्हीलबेस 1327 mm का मिल जाता है हमें, और सीट हाइट की बात करें तो 790 mm का मिल जाता है, यानी आप इस तरह की बाइक को भी आराम से ड्राइव कर सकते हैं अगर आपकी हाइट 5'1" या फिर 5 है तो। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें हमें 167 mm का मिल जाता है, यानी कि स्पोर्ट्स बाइक होने के बावजूद भी आप गड्ढों में इस बाइक को आराम से ड्राइव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के इंडियन रोडवेज पे। कर्व वेट 139.5 किलो विदाउट फ्यूल, यानी फ्यूल डलाने के बाद लगभग ये 1 क्विंटल 50 kg यानी 150 किलो की बाइक जो है वह हो जाती है। रोड पर प्रजेंस अच्छा देता है, हेवी वेट की वजह से रोड को बिल्कुल पकड़ के चलती है ये बाइक। और इसकी चेचिस टाइप की बात करें तो ये हमें ट्यूबुलर डायमंड टाइप हमें इसका चेचिस मिलता है। और इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है हमें, जो कि साइड स्टैंड किल स्विच है, जो कि सेफ्टी का फीचर है। तो ये है पूरा इस बाइक का डिटेल। अब हम इसके डिजाइन लैंग्वेज और प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, तो वन बाई वन करके फर्स्ट स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे हमें कोई भी फ्रंट में ग्लास नहीं मिलता है। यहाँ पे ये मीटर की डिस्प्लेसमेंट दी गई है जो कि पूरा डिजिटल मीटर है, उसको भी अभी दिखाएंगे। उसके नीचे हमें हीरो का लोगो और पूरा ब्लैक के साथ हल्का सा ये ब्लू का हमें टच दिया गया है रेड ग्राफिक्स के साथ। LED हमें इसमें इंडिकेटर मिलते हैं जो कि फ्लेक्सिबल हैं, जल्दी से नहीं टूटेंगे। और नीचे का लाइट जो है हेडलाइट, वो भी हमें LED टाइप में मिलता है। मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से जब ऑन करते हैं तो हमारा फ्रंट का जो LED DRL दिया गया है कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारा इंडिकेटर वे भी जल रहा है और मैं अब लाइट को दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से लाइट है हमारा, काफ़ी ब्राइट लाइट है, दिन में भी इतनी अच्छी रोशनी देता है। कुछ इस तरह से हमारा इसका फ्रंट मटर गार्ड वगैरह दिखाया गया है। ABS की बैजिंग दी गई है और रिफ्लेक्टर दिया हुआ है फ्रंट सस्पेंशन पे। ब्लैक व्हील पे रेड कलर की जो लाइनिंग है काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये है हमारा एक साइड लुक कंप्लीट। फ्यूल टैंक पे हमें हीरो की बैजिंग, नीचे एक्सट्रीम लिखा हुआ रेड कलर के साथ में, और कुछ इस तरह से हमें इंजन की प्लेसमेंट दी गई है। यहाँ पे हमें अभी लेग गार्ड मिलेगा जब डिलीवरी के टाइम पे उसे लगाते हैं। सेंसर्स की भरपूर है BS6 में, तरह तरह के फीचर्स देकर के सेंसर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। किक का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी अगर आपकी बैटरी डाउन है तो भी आप इस बाइक को आराम से रन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारे इंजन का डिस्प्लेसमेंट है। इंजन इसमें पुराने टाइप ही मिलता है, जैसे कि पहले इंजन आता था हमारे CVZ में या फिर करिश्मा में भी पहले भी इंजन का जो शेड्यूल था, मॉडल था, वो इसी तरह से था। तो इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। पावर फिगर में चेंजेस हैं बट डिज़ाइन में कुछ इंजन में चेंज नहीं है। कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें फुटरेस्ट मिल जाता है राइडर के लिए, और यह पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट है। इस तरह से हमारा छोटा सा एग्जॉस्ट है जो कि नीचे ब्रेकर वगैरह में टच नहीं होता है। खासकर ऐसी बाइकें जब नीचे से जो है ब्रेकर में टच होती हैं खासकर उन सर, बट इसका साइलेंसर जो है काफ़ी छोटा दिया गया है। इंजन की भी अभी साउंड सुनाऊंगा, काफ़ी साइलेंट इंजन है। अगर आपके पास में से चला जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें 160R की बैजिंग दी गई है। तो ये है एक कंप्लीट राइट साइड लुक इस बाइक का। अब हम चलते हैं इसके रियर में और देखते हैं रियर से हमें कैसा लुक मिलता है। कुछ इस तरह से हमें इसका रियर लुक मिल जाता है। इसमें कोई भी ग्रैब हैंडल का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमें LED टाइप रेड कलर का लाइट मिल जाता है। ये नंबर प्लेट लगाने के लिए हाउसिंग दी गई है, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए लाइटिंग, और कुछ इस तरह से LED इंडिकेटर गियर में भी दिए हुए हैं। LED का ये फ़ायदा होता है, LED बैटरी की लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। ये भी फ्लेक्सीबल है, कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सीबल है, जल्दी से नहीं टूटेंगे गिरने के बाद भी। तो ये है हमारा एक कंप्लीट रियर लुक। कुछ इस तरह से हमारा लेफ्ट साइड का लुक दिया गया है। साइड गार्ड वगैरह कंपनी से मिल जाता है, हमें अलग से एक्सेसरीज डलवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह से हमारा इसका लेफ्ट साइड लुक दिया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें हमें एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, जैसे स्टैंड नीचे रहेगा और बाइक आपकी स्टार्ट रहेगी गियर लगते ही, जो बाइक आपकी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इस तरह से हमारे रियर का शॉकर का प्लेसमेंट दिया गया है। चेन हमारा ओपन है, ऊपर से कवर दिया गया है जो कि सेफ्टी फीचर के लिए काफ़ी अच्छा है। नीचे हमारा ओपन चेन है, ये हमारा हॉर्न टाइप वगैरह कुछ दिया गया है, और कुछ इस तरह से हमारा इसका सस्पेंशन का जो सेटअप है पूरा दिया गया है। ग्रैब हैंडल की बात करें तो इसमें हमें कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स बाइक है। इसमें ग्रैब हैंडल दे करके इसकी लुक को ख़राब हम नहीं करेंगे। सीट जो है हमें इसमें स्प्लिट टाइप, सिंगल सीट है लेकिन स्प्लिट टाइप का जो डिज़ाइन है वो बनाने की कोशिश किया गया है। ये पिलियन के लिए है और ये राइडर के लिए है। कंफर्ट दोनों साइड जो है वो बिल्कुल बराबर है, दो लोग इस पर आराम से जो है बैठ सकते हैं। यहाँ पे राइडर आगे ना जाए उसके लिए एक छोटा सा ब्रेकर टाइप का भी बनाया गया है। ये है हमारा फ्यूल टैंक का लुक अपर साइड से। जब हम बाइक पे बैठते हैं तो कुछ इस तरह का हमें सामने का लुक जो है वो मिलता है। कुछ इस तरह से हमारा फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक को काफ़ी बड़ा बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर बनाया गया है। है तो ये प्लास्टिक सी साइड में, पर काफ़ी मस्कुलर टाइप जो है फ्यूल टैंक हमारा बनाया गया है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम बात करते हैं इसके इग्निशन की। कुछ इस तरह का हमें इसमें की दिया गया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, देखते हैं हमें मीटर किस प्रकार का मॉड्यूल मिलता है। गुड, मीटर हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। इसमें डिजिटल मीटर मिलता है हमें। यहाँ पर हमें RPM दिया गया है, ये किलोमीटर दिया गया है, यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है, यहाँ पर टोटल किलोमीटर बाइक कितनी चली है, और नीचे जो है हमें फ्यूल का मीटर दिया गया है कि बाइक के हमारे फ्यूल कितना है। यहाँ पे लाइटिंग दी गई है, जैसे माल फंक्शन, न्यूट्रल का, ये इंडिकेटर का है, ये पासिंग स्विच है, और ये यहाँ पे ABS वगैरह जो है उसका साइन दिया गया है। यहाँ पे हमें एक बटन दिया गया है जिससे कि हम ट्रिप ए, ट्रिप बी सारी इसकी जानकारी कर ले सकते हैं, और इस बटन से हमें, इस वाले बटन से हम अपने ट्रिप को रीसेट कर सकते हैं। दबा करके होल्ड रखना है तो आपका ट्रिप जो है वो रीसेट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। हैंडल पर बात करें, हैंडल पर हमें क्या मिलता है, तो कुछ इस टाइप स्टाइलिश हमें कॉर्निंग टाइप के ग्लास मिलते हैं।
ये हमारे पास एक स्विच दिया गया है, ये हाई बीम और लो बीम के लिए, और ये दिया गया है, इसे चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक करने लगते हैं। ये हमारा इंडिकेटर दिया गया है 1x1 स्विच, काफ़ी अच्छा है, इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है हीरो ने, कहीं भी कॉस्ट कटिंग को जो नहीं लाई है। नीचे हमें हॉर्न दिया गया है जो कि इस प्रकार है, हॉर्न भी इसका काफ़ी लाउडली है। अब इसका राइट साइड हैंडल पर बात करें तो राइट साइड हैंडल पर भी हमें कॉर्निंग टाइप ग्लास दिया गया है। एक ही सिंगल स्विच है जो कि हमारे FI को ऑफ भी करता है, ऑन भी करता है और सेल्फ का भी काम करता है। सबसे ऊपर ऑफ, एक बार ऑन करने पे हमारा FI ऑन हो जाता है और उसके बाद ऑन करने पे बाइक हमारी स्टार्ट हो जाती है। कुछ इस तरह से हमारे इंजन का साउंड है और ये हमारा एग्जॉस्ट का साउंड है। आशा करता हूँ वीडियो आपकी अच्छी लगी हो। अब मेन बात, इसके लिए हमें पैसे कितने देने पड़ेंगे यानी इसका प्राइस कितना है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी भी बाइक या गाड़ी को हमें लेने के टाइम पे। इसका प्राइस है 1,40,200 रुपये, यानी 1,40,000 दे करके आप इस मस्कुलर बाइक को अपने घर ले जा सकते हैं। काफ़ी ही अच्छी कीमत है, ठीक ठाक कीमत है, सफिशेंट है, डिसेंट है इस बाइक के लिए, और बाइक भी काफ़ी अच्छी है, सफिशेंट है, डिसेंट है। और अगर इसके बाकी तीनों मॉडल के बारे के प्राइस के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं, प्राइस जानना चाहते हैं, तो मैंने एक उसका ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप उस बाइक्स के प्राइस जो है वो आराम से देख सकते हैं। धन्यवाद।